हाय फ्रेंड्स, मेरा मिक्स एरोमेटिक चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं सिर्फ शुभेंदु आ गया हूँ फिर एक नया रेसिपी लेके। ये मैंने देखिए एकदम बिल्कुल ताज़ा समुंदर का पॉम्फ्रेट फिश है। ये फिश का ही मैं आज एक डिश बनाने वाला हूँ, वो है स्टीम पॉम्फ्रेट इन मशरूम ऑयस्टर सॉस। ये जो मैं मशरूम यूज़ करूँगा वो मैं सिटेका मशरूम यूज़ करने वाला हूँ। ये मशरूम का जो मिट्टी का फ्लेवर और ऑयस्टर सॉस का जो उमामी फ्लेवर होता है उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। फिर मेरा साथ बने रहिए और मैं जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा उसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। और जो लोग मेरा चैनल पे नए हों वो लोग मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए इसको फटाफट रेडी करते हैं। ये पॉम्फ्रेट को मैं अच्छे से धो लिया हूँ, अब मैं इसको मैं काट ले रहा हूँ। देखिए ऐसा करके इसका जो पंख होता है इसको मैं अच्छे से निकाल ले रहा हूँ नाइफ से। ऐसा करके सारे जो पंख है इसका निकाल देने का। मैं इसको पूंछ को थोड़ा रख देंगे जैसे देखने के लिए अच्छा लगे, इसलिए ऐसा करके काट के थोड़ा रख देता हूँ। अब मैं इसका बीच में ऐसा नाइफ डाल के इसको थोड़ा फाड़ लेता हूँ जैसे अंदर का जो भी कचड़ा वगैरह रहता है वो निकाल लूँगा मैं। देखिए जो भी कचड़ा था मैं निकाल लिया हूँ। देखिए अच्छे से मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ये अब मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा करके इसको चेहरा मार ले रहा हूँ पूरा पॉम्फ्रेट में, थोड़ा छोड़ा छोड़ करके थोड़ा नाइफ को ऐसा हिला के चेहरा मार लेने का जैसे इसका अंदर जो भी मैं सीजनिंग या सॉस डालने वाला हूँ वो सब अच्छे से फिश के अंदर घुस जाए। देखिए पूरा मैं चार तरफ फाड़ लिया हूँ, ये अच्छे से मसाला घुस जाएगा। अब मैं इसको एक बाउल में रख ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक सीटे का मशरूम लिया हूँ। ये सीटे का मशरूम ये मैं थोड़ा जुलियन करके काट ले रहा हूँ। और एक ले रहा हूँ मैं, ये दो मशरूम मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, इसको भी मैं काट ले रहा हूँ जुलियन करके। ये मेरा मशरूम काट के हो गया है। अब मैं थोड़ा गार्लिक को काट ले रहा हूँ। देखिए गार्लिक को मैं छील के लिया हूँ। अब मैं इसको ऐसा पतला पतला स्लाइस करके काट ले रहा हूँ। मैं ऐसा करके सारे गार्लिक को पतला पतला करके काट लूँगा। देखिए मेरा गार्लिक काट के हो गया सारे। देखिए ऐसा पतला करके काट लेने का। आप लोग चॉप भी चाहे यूज़ कर सकते हो, मैं लेकिन ऐसा स्लाइस ही यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ एक जिंजर, इसको चारों तरफ से थोड़ा पील कर ले रहा हूँ जैसे ऊपर उसका छिलका हट जाए। मैं ये पीलर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नाइफ से कर रहा हूँ। आप लोग चाहे पीलर भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी इसको भी जैसे मशरूम काटा हूँ ऐसे ही जुलियन इसको काट ले रहा हूँ। देखिए मेरा जिंजर भी काट के हो गया है। अब मैं वही बॉल में फिश को ले लिया हूँ। अब इसका ऊपर मैं ये ऑयस्टर सॉस, ये ऑयस्टर मतलब हम लोग कोई कोई इसको झिनुक भी बोलता हूँ, उसी का सॉस है ये। और ये ऑयस्टर सॉस कोई भी सी फिश के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा लाइट सोया सॉस, और अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। ये
डार्क सोया सॉस डाल के हो गया मेरा। अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा एरोमेट पाउडर, अब ले रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट बिल्कुल ही ना डालने का बराबर ही रखना, क्योंकि हर एक चीज़ में सॉल्ट रहता है, हर एक सॉस में या सी फिश में। मैं ये थोड़ा सा शुगर डाल दिया हूँ, अब मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ वाइट पेपर पाउडर। अब मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा सिसम ऑयल। ये चाइनीज़ खाने में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है ये सिसम का ऑयल। अब मैं इसके ऊपर जो मैं काट के रखा हूँ गार्लिक, उसको मैं डाल दे रहा हूँ। अब मैं डाल दे रहा हूँ इसमें कटा हुआ जिंजर। अब मैं डाल दे रहा हूँ इसके ऊपर सीटे के मशरूम। अब मैं इसको थोड़ा हाथ से मिक्स कर ले रहा हूँ। सॉस और सारे जो भी सामान डाला हूँ मैं, ये सारे को मैं थोड़ा अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ फिश के साथ। ये फिश में अच्छे से घुसना चाहिए, अगर फिश में अच्छे से घुसेगा नहीं तो फिश ब्लेंड हो जाएगा। इसलिए मैं फिश में अच्छे से मैं चेहरा मार लिया हूँ, जैसे सॉस अच्छे से घुस जाए। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल दे रहा हूँ, एक लेमन का जूस पूरा मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। इसमें टेस्ट और भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से उल्टा पलटा के फिश को, ये सॉस को मैं लगा ले रहा हूँ। देखिए मेरा मैरिनेशन हो गया। अब मैं इसको 2 घंटा के लिए ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूंगा। ये देखिए मेरा 2 घंटा हो गया। अब मैं ये फिश को फ्रिज से निकाल लिया हूँ। अब इसको मैं स्टीम पे बैठा दूंगा। ये मैं स्टीमर मेरा रेडी हो गया। अब मैं ये फिश को डाल दे रहा हूँ इसमें बैठा के। ये फिश को मैं डाल दे रहा हूँ डाल के, और मैं इसका कवर लगा दे रहा हूँ, और इसको मैं 15 मिनट के लिए स्टीम करूँगा। ये मेरा 15 मिनट हो गया। अब मैं ये गैस का फ्लेम स्लो कर दे रहा हूँ। अब मैं इस ये फिश को स्टीमर से निकाल ले रहा हूँ। देखिए फिश बिल्कुल ही पक गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लूँगा ये ठीक से पका है क्या नहीं। मैं एक फोक का सहारा लेके मैं इसको थोड़ा चेक कर लेता हूँ। अगर ये आसानी से उठ जाता है तो इसका मतलब पक गया ठीक से। ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया, इसका मतलब ये फिश बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेता हूँ। ये मैं थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंग ओनियन डाल दे रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सीसम ऑयल डाल दे रहा हूँ, जैसे और थोड़ा फ्लेवर ऐड हो जाए इसमें और मज़ा आ जाए इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा ये माउथ वाटरिंग रेसिपी आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ।